Hello, welcome everybody. Welcome, my learners, my viewers. Today we are going to discuss a very important and relevant topic, mental health. Okay? And you know, I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor in Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. Okay? Let's start. What is mental health? Is what it is it concept? What are its components? What are the factors which affect mental health? Who can contribute to mental health and all? Okay. So first of all, we have to know what health is. Okay. Swasthya. So up अच्छा मेंटल हेल्थ का जो ये टॉपिक है वो एम के भी सिलेबस में होता है बी में भी होता है एम में भी होता है और इसलिए भी मैंने इसको चुना है क्योंकि ये बहुत ही रिलिवेंट है और हमको इसको पता होना चाहिए और अगर हमें इसे पता होगा और हम अपनी और दूसरे की मानसिक स्वास्थ्य को सुधार रही सकते, तो नहीं सकते एटलीस्ट तो बिगाड़ेंगे नहीं ओके तो हमें पता होना चाहिए आपकी जानकारी के लिए आपको ये टॉपिक जानना जरूरी है हेल्थ हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य और इसकी जब भी आप कहीं भी सर्च करेंगे कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे कोई भी बुक पढ़ेंगे हेल्थ पे तो डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन से इन जनरल शुरू होता है तो मैंने भी वहीं से शुरू किया और ये डेफिनेशन मुझे पसंद भी है क्या है ये डेफिनेशन हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग मतलब वो कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य है वो वैसी दशा है जिसमें आप पूरी तरीके से फिजिकली मेंटली और सोशली यानी कि आपका बहुत आ, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी आप खैरियत से होंगे एंड नॉट मियरलीस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी बस इसलिए नहीं कि आपको कोई बीमारी है कोई दुर्बलता है अगर वो नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है आप स्वस्थ तब हैं जब आप फिजिकली मेंटली और सोशली वेल बीइंग आपकी सब ठीक ठाक है तो ये डेफिनेशन मुझे बहुत पसंद है आपको भी पता होगी नहीं पता हो तो आप आज जान लीजिए और एक जब हम हिंदी में स्वस्थ को समझते हैं स्वस्थ स्वस्थ का क्या मतलब स्वधन अस्थ ना मतलब अगर इसका आप संधि विच्छेद करें मतलब प्रॉपरली नहीं फिर भी मोटा मोटा स्वधन स्थित ऐसे समझ लीजिए यानी कि जो अपने में स्थित हो यानी कि जो जबरदस्ती इधर उधर इधर उधर भटकने का काम नहीं करेंगे अननेसेसरी किसी के काम में टांग नहीं उड़ाएंगे तो हम स्वस्थ हैं अगर हम ये सब करते हैं तो हम स्वस्थ नहीं हैं ये बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है हेल्थ की और ये अपने आप में मेंटल हेल्थ को इंक्लूड किए हुए है इसीलिए हेल्थ से शुरू किया ओके और यहाँ डब्ल्यू एच ओ जितनी बार भी डब्लू एच ओ इट इज नॉट हू अच्छा मैंने डॉट नहीं लगाया ओके इज माई माई मिस्टेक सॉरी यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये डेफिनेशन है फिर इमरजेंस क्या मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट हमेशा से था या इधर हाल फिलहाल के कुछ सालों में उसकी उत्पत्ति हुई है क्या है इसके पीछे मेंटल हेल्थ जो है हमेशा से ही मेंटल इलनेस रही है लेकिन समय तक ये स्टिग्मा था डिस्क्रिमिनेशन था लोग विभेद करते थे अछूत समझते थे बुरा समझते थे हेय दृष्टि से देखते थे वो जो मेंटली इल होते थे इसलिए ये पर्दे के पीछे छुपा के रखा जाता तो इट इज टाइम टू ब्रिंग इट आउट इन टू ओपन अब वो समय आ गया है कि हम इसको खुले में ले आए मतलब इस पर बातचीत करें इसके मुद्दों को उठाएं ओके एंड मेंटल हेल्थ इज अबाउट वेलनेस रादर देन इलनेस मतलब ये अच्छाई की बात है बुराई की बात नहीं है मेंटल हेल्थ ऐसा कंसेप्ट है और इट इज ए पॉजिटिव कंसेप्ट यानी कि हमको इसको पॉजिटिविटी में लेना है पॉजिटिव अर्थों में धनात्मक अर्थों में अच्छे अर्थों में डील करना है ओके कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ अब मेंटल हेल्थ पे आ जाइए क्या है मेंटल हेल्थ इट इंक्लूड्स इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग मतलब हम और आप अगर सामवेगिक रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से सही सलामत हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है हमारे अंदर बाहर भी हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रह सकती है या आप आप कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ अपने आप में इसको समाहित किए हुए है और फिर से मैंने भी, इसी को किया है। और भी बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी अच्छा एक बात और भी है कि पे काम करना या उसकी पॉलिसीज बनाना या उस पर बात करना इसलिए भी थोड़ा कठिन है कि इनको डिफाइन करना डिलिमिट करना भी अभी आ, सही अर्थों में प्रॉपरली हो नहीं पाया इसलिए भी इस पर थोड़ा सा चर्चा का विषय बन जाता है प्रॉपरली तो चीजें हैंडल नहीं हो पाती तो डब्ल्यू एच ओ क्या कह रहा है कि मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेलबींग खैरियत की आपकी सब ठीक ठाक की वो दशा है इन विच एन इंडिविजुअल जिसमें कि एक व्यक्ति रियलाइज कर सके पहचान सके किसको हिज और हर ओन एबिलिटीज यानी कि मुझे और आपको अगर अपनी योग्यताओं के विषय में पता है कैन कोप विद दी नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ देखिए कोई ऐसी जिंदगी किसी की नहीं है जिसमें कोई स्ट्रेस ना आता हो कोई दुख तकलीफ ना आती हो तो हम लोग अगर रोजमर्रा की जिंदगी के स्ट्रेसेस को कोपअप कर सकते हैं कर पा रहे हैं And work productively. अगर हम कुछ उत्पादित कर पा रहे हैं कुछ प्रोडक्शन में सहयोग कर पा रहे हैं और जो भी हम जिस समुदाय का हिस्सा हैं, उसमें अगर हम कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं ये बहुत बहुत कितना ब्रॉड एरिया देखिए, तो आप ये सब कुछ कर पाएंगे तभी मेंटली हेल्थ हैं, वरना हम मेंटल स की कैटेगरी में भी जा सकते हैं अगर हम डेविएशन के ज्यादा स्तर पर पहुंच गए तो यानी कि हमको आपकी अपनी और आपकी अपनी योग्यताओं के विषय में पता होना चाहिए रोजमर्रा के स्ट्रेसेस से हम डील कर सकें हम कुछ उत्पादित कर सकें मतलब अच्छा कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकें और मतलब डिस्ट्रक्टिव ना करें अगर प्रोडक्टिव नहीं भी कर रहे हैं तो और अपने समुदाय के प्रति अगर हम कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कहा जाता है कि यही मानसिक स्वास्थ्य है और अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं ओके अच्छा उसमें भी जैसे कि डब्बूएचओ कह रहा है कि वो हेल्थ की डेफिनेशन में भी कहता है कि सिर्फ आप बीमार नहीं है इसका मतलब नहीं कि स्वस्थ है इसी तरीके से मेंटल हेल्थ के कंसेप्ट में भी है कि मोर देन जस्ट दी एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हम मेंटली हेल्दी हैं नो इट इज ए मोर ब्रॉडर मोर पॉजिटिव मोर वाइडन कंसेप्ट मेंटल हेल्थ इज not not because we are not mentally ill, this doesn't mean that we are mentally healthy. यानी कि हम अगर mentally disorder से मुक्त हैं तो ये नहीं कहा जा सकता मानसिक रूप से स्वस्थ hain इसका मतलब ये कहने का है सिर्फ कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना ज्यादा बड़ी बात है फिर कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ कौन कौन सी चीजें हमारे पास हों कौन कौन से पैमाने पर हम फुलफिल हो पाए तो ये कहा जा सकता है कि हम मेंटली healthy हैं या मेंटल हेल्थ हमारे पास है सबसे पहले क्या सब्जेक्ट Well है ना, well तो हो पर subjective हो। पर दूसरी बात, यानी कि 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 हम 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 ये कर कर अपने आप को कि हम efficient है, self को हम कर ये नहीं हमको लगे कि हम तो किसी काम के नहीं है हमसे तो कुछ होता नहीं है हम तो जहां जाते हैं बिगड़ जाता है हम तो बहुत हमारी किस्मत खराब है और इस तरीके की मनोभावना से अगर हम दुर्भावना से ग्रसित हैं तो मेंटली हेल्दी mental health, का कंसेप्ट नहीं है कंसेप्ट में नहीं आता है हमको सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए परसेप्शन होना चाहिए उसके पास उसका हमारे पास ऑटोनोमी यानी कि हम कुछ काम अपने हिसाब से भी करें ना जो हमारा मन करता है वो करने की अगर हमको स्वतंत्रता है तो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो अगर हम हर काम इसलिए कर रहे हैं कि दूसरा चाहता है कि हम करें तो वो मेंटल हेल्थ को बिगाड़ता है फिर कॉम्पिटेंस हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए हेल्दी अर्थों में स्वस्थ अर्थों में कि हम आगे बढ़ सकें लीड कर सकें डील कर सकें ऊंचाई पर पहुंचे प्रोग्रेस करें ओके, इंटर जनरेशनल डिपेंडेंस देखिए ये कंसेप्ट है वो मेंटल हेल्थ में आता है कि अगर आपके माता पिता या किसी इंडिविजुअल के माता पिता में अगर मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस का केस होता है तो उसके जनरेशन में भी आने की संभावना बनी बढ़ जाती है बजाय इसके जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ माता पिता के संतान होते हैं ना तो जो जनरेशनल डिपेंडेंस इंटर जनरेशनल डिपेंडेंस इस कंसेप्ट में आ जाता है फिर लास्ट बट नॉट द व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ द एबिलिटी टू रिकोगनाइज इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल पोटेंशियल है ना यानी कि हम हैं तो बहुत बुद्धिमान लेकिन हमको पता ही नहीं है कि बुद्धिमान है फिर गलत है ना तो फिर हम कॉन्ट्रीब्यूट कैसे कर पाएंगे, कैसे बन पाएंगे? हम कितने बौद्धिक रूप से और सामेगिक रूप से कितना हम विभाव रखते हैं अपने पास कितना हमारे पास केपेबिलिटी है तो ये सब चीजें अगर हम फुलफिल करते हैं कोई व्यक्ति करता है तो वो मेंटली हेल्दी की कै कैटेगरी में जाएगा subject well being perceived self efficacy autonomy competence intergenerational dependence and regulation of the ability to recognize one's intellectual and emotional potential then who on mental bhai main kahungi mujhe who who kyun lag raha hai main dot lagana bhul ja rahi thi sorry who on mental who bahut kaam karta hai खैर covid में थोड़ा सा इसका वो छवि जो है बिगड़ गई है पैंडेमिक टाइम में लेकिन इन जनरल काम करता है डब्ल्यू एच तो उसने 2001 दो हजार एक दो हजार एक देखिये हम 2001 देखिए 2021 में पहुंच गए 20 साल पहले ही ये बात उठ चुकी है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है देखिए वो ईयर घोषित किया जाता है तो पूरे साल उस तरीके की गतिविधियां होती हैं, जितने भी इसके सदस्य देश हैं वो उस पर कार्यक्रम करते हैं आयोजन करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो द दि है

चार कोर स्ट्रेटजीज थी जिसके तहत इसने काम किया कि मेंटल हेल्थ को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं कैसे डील कर सकते हैं कैसे डायग्नोज कर सकते हैं तो वो क्या थे सबसे पहला तो इन्फॉर्मेशन फॉर बेटर डिसीजन सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए डेटा होना चाहिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने लोग हैं जिनको मेंटल इलनेस है किस प्रकार की है उसमें भी कितने तरीके के डिसऑर्डर हैं उसमें से भी कौन सा सबसे घातक है कौन सा नॉर्मल uh, स्ट्रेटजी uh, से डील किया जा सकता है ये सारी है ना कोई भी प्लानिंग करने से पहले हमको रॉ डेटा चाहिए तो इंफॉर्मेशन पहले हम पे सही पहुंचनी चाहिए तब हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे देन एडवोकेसी अगेंस्ट स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन जो छू अछूतपन का जो व्यवहार किया जाता है जो भेद किया जाता है जो हेय दृष्टि से देखा जाता है उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाने की जरूरत है नहीं वो अछूत नहीं है वो सिर्फ कुछ चीज उनके पास नहीं है जो आपके पास ईश्वर प्रदत्त है तो आप उनको उस तरह से मत डील करिए इंटीग्रेटेड पॉलिसी एंड सर्विस डेवलपमेंट यानी कि हमको इंटीग्रेट करना है किसको पॉलिसी को और सर्विस को है ना यानी कि हम नीति तो बनाएंगे पर सेवाएं भी उसी प्रकार से देंगे अक्सर हम लोग कागजों पर बहुत मजबूत होते हैं पर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हम फेल होते हैं तो ये हमको इंटीग्रेशन करना है इसका एंड देन इन्हांस्ड पब्लिक हेल्थ रिसर्च कैपेसिटी मतलब हमको इन जनरल भी पब्लिक हेल्थ की रिसर्च की कैपेसिटी को इनहैंस करना है क्योंकि हेल्थ तो अपने आप मेंटल हेल्थ को डील कवर कर ही रहा है, है सॉरी अच्छा फिर जो ये आ, 2008 का प्रोग्राम था उसमें इनके चार इन्होंने कीवर्ड्स लिए भाई जो चार कोर स्ट्रेटजीज में थे क्या एडवोकेसी इंफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ये चार कीवर्ड्स थे किसके अंडरलाइन डब्ल्यू एच ओज न्यू ग्लोबल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो इन्होंने लॉन्च किया और इसका पूरा ढे क्या था विच एम्स एट क्लोजिंग गैप बिटवीन दोज नॉट मतलब ये वो गैप कम करना चाह रहे थे कि कुछ लोग तो हैं जो धनाढ़ वर्ग को बिलोंग करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ तो हम मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल इलनेस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं पर डेवलपिंग कंट्रीज वो जिनके पास फिजिकल हेल्थ को डील करने की कैपेसिटी नहीं है वो मेंटल हेल्थ का कैसे बात करेंगे है ना तो वो जो गैप है उसको कम करने के लिए पाटने के लिए उन्होंने ये चार की वर्ड्स लिया एडवोकेसी इन्फॉर्मेशन पॉलिसी एंड रिसर्च है ना अगर हम ये चार सुधार लें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इसको पिलर्स ऑफ वेलनेस भी कहते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से घटक हैं इसके इंटरपर्सनल थेरेपी देखिए हम सब लोग खुद अपना मेंटल हेल्थ ठीक कर लेते हैं कुछ हद तक रोज हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कोई वर्क प्लेस पे कभी स्पाउस से कभी चिल्ड्रन से कभी इन लॉज से कभी फ्रेंड्स से कभी किसी से भी हो सकती है एम्प्लॉयर से तो हम स्ट्रेस में आते हैं लेकिन फिर हम अपना डील कर लेते हैं क्योंकि हमको पता है हमको अपने आप को डील करने का तरीका क्या है कुछ हद तक सब कर लेते हैं तो इंटरपर्सनल थेरेपी बहुत अच्छी चीज़ है कम्युनिटी हमारा समुदाय कैसा है हम जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं क्या वो हम अरे यार छोड़ो रहने दो तो क्या बात है ये तो लगा रहता है क्या वो हमको पॉजिटिव मोड में सिखाते हैं समझाते हैं या कि वो हमको डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाते हैं कि नहीं नहीं अब तो ये तोड़ फोड़ देना है अब तो उसका बदला लेना है या इस तरीके की बातें है फिर फिजिकल हेल्थ क्या कहा जाता है ना कि स्वस्थ मन स्वस्थ मन, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में निवास करता है ना यानी कि अगर हम फिजिकली हेल्दी होंगे तो निश्चित रूप से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी या अगर हम, फिजिकली इल हैं, तो हम मेंटली भी वीक हो जाते हैं और गलत गलत विचार हमारे मन में आने लगते हैं इंटेलेक्चुअल हेल्थ नो डाउट अगर हम अच्छा पढ़ते हैं अच्छा सोचते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा इन्वायरमेंटल हेल्थ हमारा इन्वायरमेंट कैसा है वो अगर हमको हेल्थ इन्वायरमेंट uh, प्रोवाइड कर रहा है तो हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है देन बाउंड्रीज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बाउंड्रीज हियर बिकॉज वी हैव टू सेट आवर बाउंड्रीज एंड हैव टू नो द आर्ट ऑफ सेइंग नो। है ना अगर हर कोई हमारे पास अपना काम लेकर आएगा और हम उसको कहते रहेंगे कि हाँ 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 ये भी कर देंगे ये भी कर देंगे ये भी कर देंगे तो समय तो हमारे पास भी चौबीस घंटे ही है ना तो उसमें हम अपने लिए ध्यान नहीं दे पाएंगे अपने जरूरी काम नहीं कर पाएंगे तो हमको कही कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी कि हाँ हम ये नहीं करेंगे और ये बिल्कुल भी कतई गलत नहीं है ये आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारने का एक बहुत बढ़िया आपके पास स्ट्रेटेजी है अब ये नहीं कि आप हर काम को नो कर दें हम सेल्फ केयर है ना कहा जाता है कि अपने आप पर आप अपने आप को ध्यान रखेंगे तभी दूसरे का ध्यान रख पाएंगे आप खुद खुश होंगे तभी दूसरे को खुश रख पाएंगे ना दुखी आदमी खुशी नहीं बांट सकता है उसके लिए आपको स्वयं खुश होना पहले जरूरी है देख पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ देखिए मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी पे भी वीडियो बनाना चाह रही थी उसका है मेरे पास तैयारी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक बहुत उभरता हुआ कंसेप्ट है और मुझे बहुत अपील करता है और ये कहाँ से आया है ये ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी से निकला है इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो पॉजिटिव साइकोलॉजी को बस इन शॉर्ट पढ़ेंगे क्या है कि विद द एडवेंट ऑफ द साइंस ऑफ हैपीनेस ये भी देखिए साइंस देखिए मैं तो शब्दों की सुंदरता में ही मोहित हो जाती हूँ साइंस ऑफ हैप्पीनेस हैपीनेस का भी साइंस है जब इस पर बात हुई तो पॉजिटिव साइकोलॉजी

हैप्पीनेस को ट्रीटमेंट गोल बनाकर पॉजिटिव साइकोलॉजी की सहायता से हम मेंटल हेल्थ और मेंटली इल पीपल का अगर ट्रीटमेंट करें तो बढ़िया होगा बहुत बढ़िया देन न्यूरो साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ देखिए डायमेंशन देखिए कितना व्यापक है ये न्यूरो साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ में मतलब कि हमको ये अब तो ये भी रिसर्चेस आ गई कि इस तरीके का का डिसऑर्डर होता होता है है तो ब्रेन ब्रेन कौन सा हिस्सा इफेक्ट या के किस हिस्से में दिक्कत होती है तो इस तरीके का डिसऑर्डर होता है इतना गहन रिसर्च का ये मुद्दा है और स्टीवन आर पिलकी ने अपनी किताब में लिखा है जो किताब उनकी आई थी न्यूरोसाइंस फॉर द मेंटल हेल्थ क्लिनिशियंस में वो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हैविंग द न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज ए मस्ट फॉर साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिकों को ये पता होना चाहिए कि जो मनोवैज्ञानिक विसंगतियां हैं उनके न्यूरोलॉजिकल बेसिस क्या है ओके जैसे शाइजोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर होता है उसमें पता होता है कि वो कुछ कॉग्निटिव फंक्शनिंग ब्रेन की गड़बड़ कर देता है वो तो ये सब पता होगा तो हम ट्रीटमेंट बेहतर दे पाएंगे ज्यादा लोगों को अच्छी राह की ओर ले जाएंगे और बहुत लोगों को बचा पाएंगे

नहीं होता है तो ये होना चाहिए देन एमबीसीटी एमबीसी क्या है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी नाम देखिए कितनी सुंदर नाम है कि कॉग्निटिव थेरेपी तो है लेकिन माइंडफुलनेस बेस्ड है is recommended by the NICE National Institute for Health and Care Excellence for the prevention of relapse in recurrent depression matlab मतलब, depression mein bhi depression mein bhi recurrent depression hai uske liye bhi hum kya recommend kar rahe hain MBCT aur hum nahi kar rahe hain kaun kar raha hai National Institute for Health and Care Excellence iska matlab ki nishchit roop se ye कारगर है and it is beneficial for both clinical and non-clinical population मतलब जो बीमार है मेंटली रूप से उन्हीं के लिए नहीं जो स्वस्थ है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी uh, strategy uh, then

लेकिन आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ दशा क्या है छह से सात प्रतिशत इन जनरल हमारे भारतीय जनसंख्या के हिसाब से लोग हैं जो मेंटली इल हैं है ना इन जनरल मतलब मेंटली डिसऑर्डर से हैं ये तो एक डेटा है बहुत इससे ज्यादा भी हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर ट्वेंटी फोर्टीन हैज लॉन्च नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया ये सब पॉलिसीज आती हैं इनके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं होती है कोई इनकी मार्केटिंग ही नहीं होती है लोग जानते ही नहीं है इनके बारे में कि 2014 बहुत पुराना तो नहीं है 2014 में आया तो कुछ इसकी चर्चा होनी चाहिए थी कोई इसकी बातचीत होनी चाहिए थी कहीं ये आना चाहिए था न्यूज़ में मीडिया में पर नहीं आया नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया और इसका इन्होंने थीम टैगलाइन लिया क्या न्यू पाथवेज न्यू होप और बहुत अच्छा है ये ऑन uh, पेपर बहुत अच्छा है आप इसे पढ़िए तो और इसमें इन्होंने कौन सी वैल्यूज ली है विद वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स लाइक इक्विटी जस्टिस एंड इंटीग्रेटेड केयर ये सब लेकर इन्होंने बहुत बढ़िया एक विजन मिशन के संग बनाया है लेकिन कितना कारगर है वेल मेंटल डिसऑर्डर्स देखिए मेंटल हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर को लेना पड़ेगा तो मेनली क्या है एग्जाइटी डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर एंड चाइज डिसऑर्डर ओके एंगजाइटी डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंटल इलनेस है और इंक्लूडिंग से, 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 हम, तीन तीन हम, हम बहुत खुश है कभी हम बहुत दुखी है और सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर जिसको एसईडी भी कहते हैं और सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है देखिए एनजाइटी an और मूड डिसऑर्डर तो चलता है थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट करता है आप उसको डील कर सकते हैं थोड़ा बहुत मेडिकेशन योगा मेडिटेशन वगैरह से पर शाइज थोड़ा सा दिक्कत करता है अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है इन पीपल इंटरप्रिट रियालिटी एबनॉर्मली जिसमें जो लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं वो वास्तविकता को विभिन्न दूसरे अर्थों में एकदम एबनॉर्मली इंटरप्रेट करते हैं और ये मेनली फाइव टाइप्स का है लेकिन मैंने छोड़ दिया बिकॉज वो फाइव टाइप्स बताने लगेंगे तो आपका टाइम किल होगा जब हम लोग डिसऑर्डर मेनली पढ़ेंगे तब वो पढ़ सकते हैं हाउ टू प्रोमोट मेंटल हेल्थ कैसे प्रोमोट करें कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काम करें वो लोग जो ग्रसित हैंबल हैं उनके लिए टारगेट करके प्रोग्राम बनाया जाए मेंटल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज इन स्कूल्स निश्चित रूप से हमको स्कूलों में विद्यालयों में महाविद्यालयों में कॉलेजेस मेंटल हेल्थ प्रमोशन की एक्टिविटीज करनी करानी चाहिए मेंटल मेंटल हेल्थ हेल्थ क्योंकि में बहुत जल्दी बिगड़ती है कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है जो आप कुछ भी कहते हैं कोई इधर उधर बात पहुंचा देता है तो ये सब मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने के बहुत साधन होते हैं तो ऐसे वर्क प्लेस में इंटरवेंशन होने चाहिए वॉयेंस प्रिवेंशन प्रोग्राम्स है ना जो Uh, हिंसा को रोकने के लिए प्रोग्राम चलाने चाहिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज एंड कैंपेन्स जैसे की बात की गई पहले भी और प्रमोशन ऑफ द राइट्स अपॉर्चुनिटीज एंड केयर ऑफ इंडिविजुअल्स विद मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको मेंटल डिसऑर्डर है उनके प्रमोशन के लिए उनके अधिकारों के प्रमोशन के लिए उनके अवसरों के उनके केयर सावधानी के लिए हमको प्रमोटिव uh, एक्टिविटीज करनी चाहिए हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ कौन है जो मेंटल हेल्थ को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है कोई भी कर सकता है फाउंडेशंस कम्युनिटीज इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे भी मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है जो नहीं करता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का तो रोल ही है पॉलिसी मेकर्स आप काम करिए बनाइए नीतियां इनके लिए और एनजीओ है ना यानी कि हर कोई अपने लेवल पे मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकता है

इतने लॉसेस से हमने डील किया है कि इस वक्त हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ने की हम एट रिस्क हैं सब कोई हर व्यक्ति तो mental health पे बात करना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आई होप आई विलियर एनफ इन अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ टू यू ऑल हैप्पी लर्निंग एंड स्टे मेंटली healthy ओके okay?